हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली अगर आप अपना व्लॉग शूट करें विद फैमिली, तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ हूँ। मैं फैमिली, फ्रेंड्स और सारे इक्विपमेंट्स आपको लाने पड़ते हैं, टाइम से पहले उठना पड़ता है। आज मैं उठ नहीं पाया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। सो मेरे फादर खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं ड्रोन के आजू बाजू से गुजर रहे हैं और इसको हम सीधा धीरे से अपने आगे की तरफ ले आते हैं बाय कहते हुए। मैफियर का सबसे रॉयल बिला, जैसे आप एंट्री करोगे सबसे पहले वॉल ऑफ फेम, बहुत सारी पिक्चर्स। सुबह सुबह जब मेफेयर में उठे तो शिवजी का एक बहुत ही अद्भुत और बढ़िया सुंदर इस जगह पे मंदिर देख के दिल खुश हो गया। वहाँ पे हम पूरी फैमिली ने वहाँ पे पूजा करी, उसके बाद हम सीधा ब्रेकफास्ट की तरफ गए। ब्रेकफास्ट करके आने के बाद वहाँ से चांगुल की तरफ जब निकले तो बड़ी बड़ी पहाड़ें और बर्फ़ की चादरों से ढकी हुई, और वो जो मंजर था, कोई भी सिविलियंस नहीं वहाँ पे, सिर्फ आर्मी के जवान। वो जवान फिल्मों जैसा मंजर, कहीं मार्च हो रहा है, कहीं गाने चल रहे हैं देशभक्ति के, अलग अलग एक वो नज़ारा जो आप कैमरे से फील नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ आंखों की ज़रूरत होती है। चारों तरफ आसपास की लेक जो है वो एकदम जमी हुई, लेक की लेक पूरी जम चुकी है, वो भी इस मौसम में, तो ठंड में क्या हाल होगा वहाँ पे। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला तो मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सभी याक की सवारी करने लग गए। मैं तो डर भी गया था, लेकिन लक्ष्य ने पूरी हिम्मत दिखाई मेरे बेटे ने, और वो तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। सब याक पे बैठ के चल रहे थे। याक जो है वो रोड से तकरीबन, उसने पूरा जो है 1 से 1.5 किलोमीटर का सैर कराया, ऊपर पहाड़ों पर ले गया, बर्फीले जगह पर। वहाँ जाके कुछ हमने फ़ोटोज़ ली जो आप देख रहे हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं, और वहाँ पे फिर दोबारा वो हमारी टैक्सी के पास लाके छोड़ा। सो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा, जब मैं दिल्ली से निकला तो सबसे पहले बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचा, जहाँ पे आपने लाइक वो पहुँचने के बाद वहाँ से जब हम लोग निकले तो सीधा हम लोग दार्जिलिंग गए। लाइक दार्जिलिंग में कंचनजंगा जो पहाड़ है जो सुबह 4 बजे दिखता है, तो वो हमने उस टॉप को, सबसे टॉप पर जाकर उस चीज़ को देखा। फिर अगले दिन हम सीधा निकल गए गैंगटॉक के लिए और अपने रिजॉर्ट में आए। फिर यहाँ आने के बाद सबसे एक मेमोरेबल चीज़ जो मेरे साथ रही वो है बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर है, हम वहाँ गए। और चांगुल से भी 40 किलोमीटर ऊपर, चाइना बॉर्डर से थोड़ा सा पहले, तो हम वहाँ गए और वहाँ जाके हमने उनके मंदिर के दर्शन किए। तकरीबन 100 गाड़ी अलाउड थी, तो जस्ट आपको पता ही कि जब आप यूट्यूबर होते हैं तो हर कोई आपको अलाउड कर देता है आपकी बैकग्राउंड प्रोफाइल को देख के, तो बड़ा अच्छा लगा। उसके लिए मैं सिक्किम पुलिस का थैंक यू करना चाहूँगा और डिपार्टमेंट का, जिन्होंने मेरी हेल्प करी। और उसके बाद हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे पूरा व्यू पॉइंट लिया। पहली बार मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, पहली बार मुझे थकान नहीं हुई, अदरवाइज मैं बहुत थक जाता था इस ट्रिप में। तो अभी चलते हैं, कुछ और फुटेज आप देख पा रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, तो चेकआउट करके अब सीधा लाइक बागडोगरा एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली निकलेंगे घर की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर आप ये सारी वीडियोस आप अभी देखेंगे, और उसके बाद मैं सीधा अपने घर पहुंचूंगा, साथ में कुछ फुटेज भी देख लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यार, यूट्यूब एक सक्सेसफुल जर्नी है। मतलब मैं सिंपली इतना कहना चाहता हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ। आज मैं अपना काम, अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ, और जब मैं लैपटॉप ऑन किया तो मैं बिल्कुल फ़ोन से कनेक्टेड था। मतलब जहाँ मैं गया था वहाँ नेटवर्क 0, फ़ोन कनेक्शन 0, कुछ भी नहीं था तकरीबन 20 घंटे तक। जब मैं ऑन हुआ तो मेरा काम वैसे ही चल रहा था, मेरे वीडियोस पे व्यूज थे और सारी चीज़ें ऑन गोइंग थी। तो यूट्यूब एक अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आपका कोई अदर प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को बस यूट्यूब से जोड़ लीजिए, या फिर अगर आप कोई नया एक स्किल, हॉबी बिल्ड करना चाहते हैं तो बस यूट्यूब पे उसको बिल्ड करिए। ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ वीडियोस को देखने के लिए। मैं काफ़ी इक्विपमेंट्स लाया था, मैं बहुत सारी वीडियोस बना नहीं पाया क्योंकि इतना एंजॉय कर पाया इन चीज़ों में। लुक एट द व्यू, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ अपनी बालकनी का, कि आप जस्ट ये फील कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं खुद, तो इतनी बड़ी बालकनी और सारी चीज़ें। और ये रूम का व्यू थोड़ा सा मैसी हो गया है जाते वक्त, बट सारी चीज़ें मिली हुई, इतने बड़े अपार्टमेंट्स, मतलब आप एक खुद का मैफेयर में एक अपाहल, एक विलास लेके रहते हैं विद फैमिली, तो उसका एक मज़ा अलग है। आप चेक कर सकते हैं इसका फेयर। मैं तो कहूँगा कि ऐसे टशन में मत आ जाइए वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हाँ, इफ़ यू आर अफोर्ड इट डेफिनेटली आइए, बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह आना।